स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है थर्ड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड द थर्ड टेक्निक इज वर्क स्टडी। F.W. टेलर ने सजेस्ट किया है कि देयर शुड बी अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वर्क, यानी जो वर्क जिसको एम्प्लॉयज ने परफॉर्म करना है उसकी साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। अब ये वर्क स्टडी है क्या, इसका मीनिंग देखिए क्या है, सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ वर्क। एक वर्क के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव यानी एक्यूरेटली एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। उनको प्रॉपरली ऑब्जर्व करें, स्टडी करें, एग्जामिन करें, एनालाइज करें। उससे क्या होगा, वर्कर्स की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, परफॉर्मेंस में एक्यूरेसी आएगी एंड एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। वर्क स्टडी को फोर स्टडीज में डिवाइड किया गया है, फोर पार्ट्स में। फर्स्ट इज मेथड स्टडी, देन मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। इन चारों स्टडीज को हम डिस्कस करेंगे, यानी ये सभी पार्ट्स हैं वर्क स्टडी के। तो चलिए फर्स्ट डिस्कस करते हैं मेथड स्टडी। सिंपल सा मीनिंग देखिए क्या है इसका, स्टडी द मेथड बिफोर इट इज अप्लाइड, यानी वर्कर्स इससे पहले कि मेथड अप्लाई करें, उस मेथड से काम करें, उस मेथड की प्रॉपरली स्टडी होनी चाहिए। यानी बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, मैं लिख देता हूं यहां पर बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड और बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क शुड बी अप्लाइड, शुड बी यूज्ड। और ये जो बेस्ट मेथड है ये डिसाइड कैसे होगा, नॉट बाय विल और विश ऑफ द मैनेजर, नॉट बाय रूल ऑफ थंब, नो। जितने भी मेथड्स अवेलेबल हैं उन सभी मेथड्स को अप्लाई किया जाए, उनकी कंपैरेटिव स्टडी की जाए, और वो मेथड जिससे फर्म में कॉस्ट मिनिमम हो, मैक्सिमम क्वालिटी एंड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर हो, उस मेथड को अप्लाई किया जाए। तो ये है हमारा मेथड स्टडी, कि स्टडी ऑल द मेथड्स एंड चूज द बेस्ट वन। और बेस्ट कौन सा होगा, मैक्सिमाइज द आउटपुट, मैक्सिमाइज द क्वालिटी एट मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर्स। तो ये है हमारा मेथड स्टडी, कि बेस्ट मेथड ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाए। चलिए अब सेकेंड की तरफ चलते हैं। सेकेंड है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी इज रिगार्डिंग मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स, कि जब वर्कर देखिए काम करते हैं अपने वर्क प्लेस पर तो उनकी मूवमेंट्स होती हैं। जैसे मैं आप पढ़ा रहा हूं तो आई एम मूविंग, इसी तरह जो वर्कर्स हैं उनकी मूवमेंट्स कैसी होगी, दे हैव टू वॉक, दे हैव टू सिट, दे हैव टू कैरी द गुड्स, दे हैव टू लिफ्ट द थिंग्स। इन मूवमेंट्स को प्रॉपरली स्टडी किया जाए, यानी वर्कर्स की जो मूवमेंट्स हैं, मैं लिख देता हूं यहां मोशन स्टडी का मतलब स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स, स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स। मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स की स्टडी करके देखिए, तीन तरह की मूवमेंट्स आपके नोटिस में आएंगी, फाइंड आउट कर पाओगे आप। एक होती है हमारी प्रोडक्टिव मूवमेंट्स, प्रोडक्टिव। सेकंड होती हैं इंसिडेंटल, एंड थर्ड होती हैं हमारी अननेसेसरी, और इसको अनप्रोडक्टिव भी बोल सकते हैं। देखिए तीन तरह की जो मूवमेंट्स हैं वर्कर्स की, मोशंस हैं, उनको आप स्टडी कर पाओगे, उनको एग्जामिन कर पाओगे। प्रोडक्टिव मूवमेंट्स ओके हैं, इंसिडेंटल मूवमेंट्स जैसे मूव करना पड़ता है स्टोर में रॉ मटेरियल या ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह लाने के लिए, ये भी इनहेरेंट है, स्वाभाविक होते हैं काम में। हमें आइडेंटिफाई करना है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को, यानी वो मूवमेंट्स जो वर्कर कर रहा है, वर्कर मूव कर रहा है लेकिन उनसे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, वो हमारी वेस्टफुल मोशंस हैं, अननेसेसरी मूवमेंट हैं। इन अननेसेसरी मूवमेंट्स को नोटिस किया जाए, इनको ख़त्म किया जाए। फॉर एग्जाम्पल,
एक वर्कर को मूव करना पड़ता है बार बार अपने टूल्स को कैरी करने के लिए, फिर काम करके टूल्स को वहीं रख के आना पड़ता है। इसे नोटिस किया जाए अगर, तो टूल बॉक्स जो है वर्कर के पास रखा जा सकता है। इसका मतलब उसका टाइम भी बच गया, उसकी एनर्जी भी सेव हो गई और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो मोशन स्टडी को किया कैसे जाए? F.W. टेलर कहते हैं कि मोशन स्टडी में आप स्टॉप वॉच की, यानी एक डिवाइस है स्टॉप वॉच, उसकी हेल्प ले सकते हो। आप कुछ सिंबल्स यूज़ कर सकते हो, आप कुछ कलर्स यूज़ कर सकते हो। इनका यूज़ कैसे करना है, स्टॉप वॉच, सिंबल, कलर? साइंटिफिक स्टडी, जब वर्कर अपना काम कर रहे हैं उनकी मूवमेंट्स को नोट करना है। प्रोडक्टिव और इंसिडेंटल मूवमेंट्स का टाइम नोट कीजिए, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स का टाइम नोट कीजिए। और हमारा पर्पस क्या है, एलिमिनेट करना है। किस चीज़ को ख़त्म करना? अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को। वर्कर्स को अकॉर्डिंगली गाइड करना और उस अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स को क्रिएट करना। इससे वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और वो वर्क करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट होंगे, अपनी एनर्जी का प्रोडक्शन के लिए बेटर यूज़ कर पाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मोशन स्टडी। अब हम थर्ड स्टडी की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टडी इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मीनिंग देखिएगा, स्टडी द टाइम। स्टडी द टाइम यानी स्टडी ऑफ द टाइम टेकन बाय अ वर्कर टू परफॉर्म अ टास्क, टू परफॉर्म अ वर्क। यानी जो वर्कर को हम वर्क देते हैं उसको स्टैंडर्ड टाइम बताना जरूरी है कि आपने इतने टाइम में इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। ये हमारी टाइम स्टडी होती है। और टाइम स्टडी कैसे करें हम? टाइम स्टडी के लिए भी हम लोग एक डिवाइस यूज़ करते हैं, स्टॉप वॉच। बार बार एवरेज वर्कर्स जब काम कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, उनका टाइम मेजर किया जाएगा, नोट किया जाएगा। और एक एवरेज वर्कर एक वर्क को कंप्लीट करने में, अकम्प्लिश करने में कितना टाइम ले रहा है उसको हम नोट करेंगे और फिर इसको स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके बेस पर हम सेट कर पाएंगे कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है जो एक वर्कर को लेना चाहिए उस वर्क को फिनिश करने के लिए, उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। स्टैंडर्ड टाइम सेट करना बहुत ज़रूरी है। इससे ना केवल आपको ये पता चलता है कि आपको कितना प्रोडक्शन कितने टाइम में हो पाएगा, बल्कि आपको ये भी पता चलता है कि आपको इतना प्रोडक्शन करने के लिए कितने नंबर ऑफ वर्कर चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हम टाइम स्टडी का एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए, टाइम स्टडी में फॉर एग्जांपल वन वर्कर, ये मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ टाइम स्टडी का, वन वर्कर इज एबल टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स अ डे। एक दिन में हमने स्टैंडर्ड टाइम टेक्निक को अप्लाई किया और फाइंड आउट किया कि अगर हम स्टैंडर्ड टाइम सेट करें तो एक वर्कर एक दिन में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। और मान लो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, 1000 यूनिट्स अ डे। यानी हम चाहते हैं कि एक दिन में 1000 यूनिट्स हमारी प्रोड्यूस हों। अगर एक दिन में 1000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने चाहिए हमें, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब देखिए हमें चाहिए 1000 यूनिट्स, यानी टोटल आउटपुट जो चाहिए 1000 यूनिट्स। और एक वर्कर कितनी प्रोड्यूस करता है, एवरेज वर्कर 10 यूनिट्स। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो जाएंगे, देखिए 100 वर्कर चाहिए हमें। ये टाइम स्टडी का बेनिफिट है। देखिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हैं और ये टाइम भी हम साइंटिफिकली सेट करेंगे। ये भी रूल ऑफ थंब के बेस पर नहीं होगा, सिर्फ मैनेजर के एक्सपीरियंस के बेस पर नहीं होगा, ये साइंटिफिकली सेट किया जाएगा। इससे हमें ये भी पता चलता है कितना प्रोडक्शन कितने दिन में होगा और इस प्रोडक्शन को करने के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने चाहिए। इसी के बेस पर हम डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो। तो ये था हमारा टाइम स्टडी। तो अब तक हमने किया मेथड स्टडी, बेस्ट मेथड कौन सा, मोशन स्टडी, अननेसेसरी मूवमेंट्स को कैसे ख़त्म किया जाए, टाइम स्टडी, स्टैंडर्ड टाइम सेट करना ज़रूरी है, और लास्ट में है हमारा फटीग स्टडी। फटीग स्टडी इज रिगार्डिंग टायर्डनेस ऑफ द वर्कर।
फटीग स्टडी क्या है देखिए, जब भी वर्कर्स कंटिन्यूसली काम करते हैं, पहले तो आप फटीग को समझो, फटीग का मतलब है थकावट हो जाना, टायर्डनेस होना। तो नॉर्मली थकावट होती कैसे है? लॉन्ग वर्किंग आवर्स, यानी जब वर्कर्स एम्प्लॉयज लंबे समय तक काम करें, बैड वर्किंग कंडीशंस, जिन कंडीशंस में वो काम कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है, बैड रिलेशंस विद द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, लैक ऑफ मोटिवेशनल टेक्निक्स, यानी ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमें क्या होता है, फटीग होती है, यानी वर्कर थका थका सा महसूस करता है। तो मेन क्या है इसमें? लॉन्ग वर्किंग आवर्स। तो साइंटिफिकली स्टडी करके, फटीग स्टडी के थ्रू हमें ये देखना है, साइंटिफिकली चेक करना है कि कितने टाइम के बाद एक वर्कर उस वर्क को काम करते करते थक जाता है, आफ्टर हाउ मच टाइम, और उसे अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ इंटरवल, कितनी देर का इंटरवल चाहिए और कितनी बार चाहिए। दोबारा सुन ले बच्चे इस बात को ध्यान से, फटीग स्टडी क्या है? स्टडी ऑफ टायर्डनेस ऑफ द एम्प्लॉय, कि एक पर्टिकुलर काम को करते हुए कितनी देर तक सेम एफिशिएंसी के साथ वर्कर काम कर सकता है, कितनी देर के बाद वो थकता है, यानी ही और शी नीड्स रेस्ट, और कितनी देर का उसे रेस्ट चाहिए, और इस तरह के कितने रेस्ट देने हैं एक दिन में, 8 घंटे की ड्यूटी में या 10 घंटे की ड्यूटी में। इसका मतलब है अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम इंटरवल्स। मैं लिख देता हूं, अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम इंटरवल्स। जैसे आप स्कूल्स में देखते होंगे, स्कूल कॉलेजेस में 4 पीरियड्स के बाद 20 या 30 मिनट्स का एक ब्रेक मिलता है, ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों अपनी एनर्जी को रिकलेक्ट कर सकें और फिर से नेक्स्ट स्लॉट में, नेक्स्ट पीरियड में सेम एनर्जी के साथ क्लास में चले जाएं। इसी तरह वर्कर्स का है, जब वर्कर्स को जो हैवी वर्क करते हैं, मशीन्स का वर्क करते हैं या गुड्स कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, 3 या 4 घंटे के बाद वो थक जाते हैं, उसके बाद उनको एक लंच के करने के लिए रेस्ट दिया जाता है 1 आवर का, लंच करें थोड़ा सा रेस्ट करें, इवनिंग टाइम में थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट का 15 या 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसका पर्पज़ क्या है कि लगातार काम करने से जो एनर्जी डाउन हुई है उससे प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी डाउन चली जाएगी, इसलिए वर्कर को टाइमली इंटरवल दीजिए, रेस्ट पीरियड दीजिए, ताकि वो अपनी एनर्जी को कलेक्ट करे और सेम एनर्जी के साथ फिर से काम पे लग जाए। तो फटीग स्टडी इज रिगार्डिंग सेटिंग ऑफ अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम इंटरवल, कितनी देर के बाद कितनी देर के लिए रेस्ट दिया जाए और ऐसा रेस्ट कितनी बार दिया जाए, ताकि वर्कर अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम करे और जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी तरह से सफ़र ना हो। तो मैं चारों स्टडीज़ को एक बार फिर से बता दूं। वर्क स्टडी इंक्लूड्स मेथड स्टडी, बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क साइंटिफिकली सिलेक्ट किया जाए। मोशन स्टडी अननेसेसरी मोशंस को एलिमिनेट, ख़त्म करने के लिए होता है ये। टाइम स्टडी, स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाए ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क बाय द वर्कर। और लास्ट में है फटीग स्टडी, वर्कर्स हमारे थके ना, टायर्डनेस ना हो, उनमें मोनोटोनस ना आए किसी तरह का, तो उनको प्रॉपरली और टाइमली रेस्ट इंटरवल्स दिए जाएं। इस वर्क स्टडी को अप्लाई करके ऑर्गेनाइजेशन में ना सिर्फ कॉस्ट मिनिमाइज होती है, ना सिर्फ हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन और सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स बढ़ता है, बल्कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल बूस्टअप होता है, उनकी लॉयल्टी इंक्रीज होती है और वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं।